पृष्ठ रसायन कक्षा 12 चैप्टर का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बात करने वाली हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, या फिर कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन, या फिर पूछ सकता है कोलाइडी विलयनों के शोधन की अपोहन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर पूछ सकता है कोलाइडी विलयन का शोधन किस प्रकार किया जाता है, या फिर एक और क्वेश्चन इसी में कर सकता है कि विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखेंगे इसको बहुत ही आसान भाषा में। कोलाइडी विलयनों में से अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि अपोहन कहलाती है, या फिर पूछ सकता है प्रश्न में कि अपोहन किसे कहते हैं, तो इसमें आपको यही आंसर लिखना है कि कोलाइडी विलयनों में से जो अशुद्धियां जो दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसी विधि को हम अपोहन विधि कहते हैं। अब बात करता है कि क्वेश्चन कि विद्युत अपोहन किसे कहते हैं, तो यदि इस क्रिया में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इसे विद्युत अपोहन कहते हैं। इस नाम से ही से जान सकते हैं कि जिस क्रिया में विद्युत प्रवाहित की जाए या छोड़ी जाए उसे विद्युत अपोहन कहते हैं। ग्राहम ने क्रिस्टलाभ पदार्थों को अलग करने के लिए अपोहक नामक उपकरण बनाया था। किस वैज्ञानिक ने बनाया था? ग्राहम ने क्रिस्टलाभ पदार्थों को अलग करने के लिए अपोहक नामक उपकरण बनाया था। अपोहन में एक कांच का छोटा बेलन होता है जिसके एक ओर चर्म पत्र बांध देते हैं, इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन लेकर इसे कांच की द्रोणिका में टांग देते हैं और इसमें आश्रित जल प्रवाहित करते हैं। कुछ समय बाद क्रिस्टलाभ के अणु झिल्ली से बाहर आ जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन बेलन में बच जाता है। तो आप ये फिगर को खुद अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि ये है जो देख रहे हैं, ये जल भरा है इसके अंदर और ये अशुद्ध जल यहाँ से होता है और कोलाइडी जो देख रहे हैं बूंदें ये नीचे वाली हैं और विलयन झिल्ली तो खुद आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। अब इसमें देखिए ये जल भर दिया गया है और यहाँ से जल प्रवाहित किया गया, यहाँ से अब ये जल निष्कासित हो रहा है। यही पूरा अपोहन विधि का फिगर दिया गया है। यह विधि केवल विद्युत अपघट पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयुक्त है, यानी अलग करने के लिए बहुत अच्छी विधि है। इस विधि से शक्कर आदि के विलयनों को कोलाइडी विलयनों से पृथक नहीं कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन का सचित्र वर्णन। जल्दी से दिए गए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो।